हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको अपने इस वीडियो में लेडीज़ कुर्ती के अंदर मेन शर्ट स्टाइल कॉलर बनाना बताऊंगी। आफ्टर स्टिचिंग फ्रेंड्स, यह कॉलर आप जिस भी सूट या कुर्ती में यूज़ कर रहे हैं उसे एक अलग ही रॉयल लुक देती है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको एक ट्रिक भी बताऊँगी, तो हमारा वीडियो पूरा वॉच करें। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। चैनल के साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की अपडेट्स पाने के लिए बेल का आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपनी कुर्ते की ऑलरेडी कटिंग कर रखी है। ये हमारा फ्रंट पोर्शन है और ये हमारा बैक पोर्शन है। इसके जो हमने शोल्डर्स लिए हैं, मैं आपको बता दूं, ये मैंने पूरे लिए हैं और इसके अंदर मैंने कोई बैक में नेक कट नहीं किया है। अब जो हमारा ये फ्रंट पोर्शन है, इसमें नेक को आपको कट करना है। इसकी हमने ये बीच में विड्थ ली है, ये हमने 6 इंचेस ली है और इस पॉइंट से हमने यहाँ तक इसकी जो हमने डीपनेस ली है वो 3.5 इंच ली है और टोटल हमने जो नेक की डीपनेस रखी है वो हमने 7.5 इंचेस रखी है इस तरीके से। और हमने यहाँ पर इस तरीके से वी शेप में इसको हल्का सा कट किया है। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम फ्रंट नेक को हम स्टिच करें। ये जो हमारा ये शेप कटा हुआ है इसे स्टिच करना है। इसके लिए देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये स्क्रैप पार्ट लिया है, इसे मैं इस तरीके से डबल फोल्ड करूँगी। इसे फोल्ड करने के बाद में जो हमारा फ्रंट पोर्शन है इसे हम इसके ऊपर इस तरीके से रखेंगे। इसके बाद में हम यहाँ पर इसे इसी शेप में चौक से मार्किंग कर लेंगे। आप मार्किंग करें तो ठीक है, अदरवाइज आप डायरेक्टली कट भी कर सकती हैं। ये देखिए, मैं कटिंग करके भी बता देती हूँ। और यहाँ से आपको इसे इसी शेप में, देखिए इस शेप में मार्किंग करनी है और इसे कट कर लेना है। इसे कट करने के बाद में जो इसका आउटसाइड पोर्शन है इसे हम इस तरीके से फोल्ड करते हुए स्टिच कर लेंगे। अब हम अपना ये फ्रंट पोर्शन लेंगे और इस नेक को हम इसके ऊपर इस तरीके से अरेंज कर लेंगे। हम यहाँ पर आधे से भी कम बूट की इसी शेप में इसके ऊपर स्टिचिंग लगा लेंगे। इस प्रकार से हमने ये स्टिचिंग लगा ली है। अब देखिए, जो हमारा यहाँ पर ये वी पॉइंट बना है, इस वी पॉइंट को हम ट्रिमर की सहायता से कट करेंगे। इसे हमें इतना कट करना है कि जो हमारी ये स्टिचिंग है वो कट ना होने पाए और इसे हम अंदर की तरफ पलट लेंगे। इसे पलटने के बाद में फ्रेंड्स, हम इस नेक को अपने मेन पीस के ऊपर यहाँ से स्टिच कर लेंगे। इस प्रकार से हमने, देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर स्टिचिंग लगाते हुए इसे इसके साथ में अटैच कर लिया है। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर आधे बूट की स्टिचिंग और लगाई है इस प्रकार से। अब जो हमारा इसका बैक पोर्शन है, उस बैक पोर्शन को हम यहाँ से कंधी से स्टिच करते हुए अटैच कर लेंगे। मैंने दोनों पार्ट्स को कंधी से स्टिच करते हुए अटैच कर लिया है। अब चलिए हम इसकी कॉलर कट करते हैं। कॉलर कट करने के लिए फ्रेंड्स, ये हमने कैनवास लिया है, इसे हम पेपर फिजिंग भी बोलते हैं। कॉलर कट करने से पहले फ्रेंड्स, हम इसका मेजरमेंट करेंगे कि हमें इसके अंदर कितनी बड़ी राउंड कॉलर चढ़ानी है। तो इसके लिए देखिए फ्रेंड्स, हमें इसे यहाँ से इस तरीके से पकड़ना है और हमें ये देखिए बैक में इस तरीके से बिल्कुल सेंटर करते हुए पकड़ना है और हमें यहाँ से इस तरीके से मेज़र करना है। बिल्कुल हमें कॉलर खींचनी नहीं है। तो मेरी ये कॉलर जो है वो 6.25 इंच आ रही है। कॉलर कट करने के लिए फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने पेपर फिजिंग में से इस तरीके से थोड़ा सा ये पेपर फिजिंग कट किया है। देखिए, जो हमारे कॉलर की जो मार्किंग आ रही थी वो हमारी 6.25 इंच आ रही थी। तो सबसे पहले हम 6.25 इंच का मार्किंग यहाँ से करेंगे। अब हम फ्रेंड्स, यहाँ से हम 0.25 इंच का एक मार्किंग और करेंगे।
ये जो हमने 0.25 इंच का यहाँ पर मार्किंग लिया है, ये हमारा स्टिचिंग का दबाव होगा। इसके बाद में फ्रेंड्स हम यहाँ से 3.25 इंच का मार्किंग करेंगे, यहाँ से हम 2.5 इंच का मार्किंग करेंगे, इसके बाद में हम यहाँ पर 3 इंच का मार्किंग करेंगे, यहाँ से हम 0.75 इंच का एक मार्किंग करेंगे। और इस मार्किंग को मैं हल्का सा ये कर्व शेप देते हुए मिला लूँगी इस तरीके से। इसके बाद में मैं यहाँ पर 0.75 इंच का एक मार्किंग और करूँगी और इस मार्किंग को मैं इस मार्किंग से मिलाऊंगी। हमने ये वाली लाइन ड्रॉ की थी, इस लाइन के अंदर हमें हल्का सा कर्व शेप देना है, हमें ये स्ट्रेट नहीं रखनी है। अब हम इसे कट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर 0.25 इंच का स्टिचिंग दबाव लिया था, वही हम दबाव यहाँ पर भी लेंगे। इसे खोलने के बाद में फ्रेंड्स देखिए इसका लुक कुछ इस प्रकार से आएगा। अब हम इसे अपने मेन पीस के ऊपर आयरन की सहायता से चिपकाएंगे। इस प्रकार से देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपना जो कैनवास पेपर है इसको अपने मेन फैब्रिक के ऊपर चिपका लिया है और नीचे से हमने इस तरीके से इसे फोल्डिंग करके सेट कर लिया है। अब फ्रेंड्स हम अपने इस कॉलर को स्टिच करेंगे। इसके लिए देखिए मैंने ये फैब्रिक लिया है सेम कलर का और इसके ऊपर मैं इस तरीके से इसको रखूँगी। अब फ्रेंड्स इसे स्टिच करते हुए मैं आपको एक ट्रिक भी बताऊंगी, जिससे आप इस कॉलर के जो कॉर्नर्स पॉइंट हैं सेम इसी शेप में किस प्रकार से अच्छे से स्मूथली निकाल सकते हैं, वो भी बिना किसी परेशानी के। तो फ्रेंड्स इसे ध्यान से देखिए। अब देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले क्या करना है, जो हमारा ये कॉलर है, ये देखिए कॉलर है, तो इस कॉलर को आप स्टार्टिंग यहाँ से स्टिच नहीं करेंगे, यहाँ से आप हल्का सा गैप छोड़ते हुए यहाँ से स्टिचिंग करेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, जो इसके कॉर्नर्स हैं वो स्मूथली किस प्रकार से निकालें, उसके लिए देखिए मैंने ये थ्रेड लिया है, इसको मैंने 4 लड़ा कर रखा है और जो हमारा ये कट्स पॉइंट है ये देखिए इसके अंदर हमें इस तरीके से फंसाना है। गौर से देखिए फ्रेंड्स, और हमें इसको एक टेप ऊपर उठाते हुए इस तरीके से रखना है और जो हमारा ये थ्रेड है इसे हमें इस तरीके से वापस खींचना है और यहाँ पर हमें नॉट लगा लेनी है। नोट लगाने के बाद में आप इस थ्रेड को इस तरीके से बाहर की तरफ निकाल लीजिए इस तरीके से, और यहाँ पर इस तरीके से इसे स्टिच कर लीजिए। दूसरी तरफ भी हमें इसी प्रकार से सेम प्रोसेस फॉलो करनी है, वापस से थ्रेड इस तरीके से रखना है और एक टेप हमें इस तरीके से लेनी है स्टिचिंग की और इस थ्रेड को वापस यहाँ पर नोड लगाते हुए अंदर की तरफ इस तरीके से करना है और इसे इस तरीके से स्टिच करना है। हम इसे यहाँ पर इसे इस शेप में कट कर लेंगे यहाँ से इस तरीके से। अब जो ये नीचे वाला फैब्रिक है, इस फैब्रिक में हम आधे बूट का दबाव देते हुए इसे कट कर लेंगे और इसे हम इस तरीके से डबल फोल्ड करते हुए एक सेंटर का कुटका लगा लेंगे और जो हमारा ये राउंड सर्कल है, इस राउंड सर्कल में हम हल्के हल्के इस तरीके से नोचेज लगाएंगे क्योंकि ये कैनवास हमारा थोड़ा हार्ड है। इसके बाद में फ्रेंड्स मैं इसे देखिए इस तरीके से बाहर की तरफ पलटूंगी और जो हमने ये थ्रेड इसके अंदर फंसाया था इसे मैं देखिए इस तरीके से बाहर की तरफ खींच लूँगी।
ये इस प्रकार से आपको खींचना है। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं जो इसके ये कॉर्नर्स पॉइंट्स हैं कितने स्मूथली और सेम इसी शेप में ये हमारे बाहर आ गए हैं। अगर आप इस ट्रिक का यूज़ नहीं करते हैं तो गारंटी की बात है फ्रेंड्स आप बिल्कुल इसी तरीके के इतने शार्प कॉर्नर्स पॉइंट्स किसी भी ट्रिक से नहीं निकाल सकते हैं। अब हम इस थ्रेड को कट करके हटा देंगे। इस प्रकार से पलटते हुए फ्रेंड्स मैंने इसके ऊपर एक बार आयरन कर ली है तो ये देखिए बहुत ही फिनिशिंग से मेरी कॉलर है सेट हो चुकी है। देखिए फ्रेंड्स मैंने सेंटर में ये एक छोटा सा कुटका लगाया हुआ है, इससे मुझे ये पता रहेगा कि जो मैंने इसमें सेंटर पॉइंट लगाया है तो मुझे इस सेंटर पॉइंट से इस सेंटर पॉइंट को मिलाते हुए ये कॉलर चढ़ानी है। एक चीज़ और बताऊँ फ्रेंड्स मैं आपको, जो हमारा ये फिनिशिंग पोर्शन है ये हमारा अंदर की तरफ रहेगा तो हम इसे कॉलर को इस तरीके से चढ़ाएंगे। इसे हमें इस तरीके से रखना है, इसे इस तरीके से इस यहाँ पर रखते हुए स्टिच करना है। हमने एक पैर का दबाव छोड़ा था तो हमें एक पैर का ही दबाव लेना है यहाँ पर, इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं लेना है। ये हमने इस तरीके से स्टिच कर लिया है, अब हम इसे इस तरीके से स्टिच करेंगे। ये देखिए देखिए ये मैंने यहाँ तक इसे स्टिच कर लिया है। इसे स्टिच करने के बाद में हम यहाँ पर इस तरीके से एक स्टिचिंग और लगाएंगे। आप चाहें तो यहाँ पर एक बूट की भी स्टिचिंग लगा सकते हैं बट मैं यहाँ पर बिल्कुल कॉर्नर्स की स्टिचिंग लगा रही हूँ। इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारी जो कॉलर है वो हमने स्टिच कर ली है। तो देखिए फ्रेंड्स कॉलर तैयार होने के बाद में इसका लुक कुछ इस प्रकार से आएगा। इसका लुकिंग देखिए फ्रेंड्स बहुत ही प्यारा आ रहा है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया होगा। हम फिर आपसे मिलेंगे एक नए वीडियो नई इन्फॉर्मेशन लेकर, तब तक हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।